2023 की वीक 27 की सास्का मीटर शोस रैंकिंग की लिस्ट निकल कर आ चुकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके फेवरेट शो और कलर्स टीवी के नंबर वन शो नागिन 6। इस हफ्ते सास्का मीटर के शोस रैंकिंग में कौन से पोजीशन पर है, उसके साथ ही हम बात करेंगे टॉप 12 टीवी शोस ऑफ द वीक। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में तो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तेजस्वी प्रकाश महक सहल बत्सल सेठ स्टारर शो नागिन 6 इस हफ्ते सास्का मीटर की शोस रैंकिंग पर है नंबर 7 के पोजीशन पर। लास्ट वीक ये शो नंबर 6 के पोजीशन पर था, इस हफ्ते ये शो नंबर 7 के पोजीशन पर है। अभी हम बात करेंगे इस हफ्ते के टॉप 12 टीवी शोज, जहाँ पर नंबर 12 के पोजीशन पर है सोनी सब के शो ध्रुव तारा, 11 के पोजीशन पर है स्टार प्लस के शो तितली, 10 के पोजीशन पर है सोनी टीवी के शो बड़ेअत से लगते हैं सीजन 2, 9 के पोजीशन पर है सोनी सब के शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, 8 के पोजीशन पर है स्टार प्लस के शो पांड्यास्तोर, 7 के पोजीशन पर है कलर्स टीवी के शो नागिन 6 के पोजीशन पर है सोनी टीवी के शो कथा अनकही, 5 के पोजीशन पर है स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार में, 4 के पोजीशन पर है स्टार प्लस के शो तेरी मेरी तोड़िया, 3 के पोजीशन पर है बिग बॉस ओटीटी सीजन 2, 2 के पोजीशन पर है जी टीवी के शो कुमकुम भाग्य और नंबर 1 के पोजीशन पर है स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो इस हफ्ते फिर से आपके फेवरेट शो नागिन 6 है इस लिस्ट में नंबर 7 के पोजीशन पर। इस बार आपके फेवरेट शो ने कमाल कर दिया है, जहाँ पर इस हफ्ते आपके फेवरेट शो नागिन 6 ने FMN रेटिंग्स में भी कमाल कर दिया है, जहाँ पर लास्ट वीक ये शो नंबर 5 के पोजीशन पर था, इस हफ्ते ये शो नंबर 4 के पोजीशन पर है और रेटिंग्स निकल कर रही है 832। तो काफी ज्यादा इस हफ्ते इस शो को पसंद किया गया। आपको क्या लगता है इस हफ्ते आपके फेवरेट शो नागिन 6 TARC की TRP क्या निकल कर आने वाली है, जहाँ पर इस हफ्ते ये शो और मैक्स पावर रेटिंग के लिस्ट से भी बाहर है। तो देखने वाली बात होगी इस हफ्ते TRP क्या निकल कर आती है। तो अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात, जहाँ पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले।